हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी रिसर्च। होप ऑल ऑफ यू बीइंग वेल एंड फाइन। माय नेम इज प्रीति, आई एम रिसर्च स्कॉलर एट आईआईटी बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीजी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोज देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोज चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसर मोहाली के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली की तरफ से पीएससी के लिए अप्लीकेशन इन्वाइट किए गए है। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, isrmohali.ac.in। उसके बाद आप ड्रैग करके नीचे जाओगे तो आपको न्यूज एंड अनाउंसमेंट का सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे फर्स्ट ही आपको मिलेगा एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2024। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप ये पेज पे चले जाओगे जहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है एप्लीकेशन का और एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट का। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट। उसमें फर्स्ट है बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिर है फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस है, फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है। तो इन सब के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फॉर द पीएचडी। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, तो आपका मास्टर डिग्री है, बीटेक है, एमबीबीएस है, एमटेक डिग्री है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो मिनिमम तो आपको 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और आपका जो सीएसआईआर, यूजीसी, जेआरएफ है, आईसीएमआर जेआरएफ है, डीबीटी जेआरएफ है, डीबीटी बीआईएनसी है, फिर डीएससी इंस्पायर फेलोशिप है। तो ये क्वालिफिकेशन जो है नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन, ये यहाँ पे मैंडेटरी है। तो कोई भी नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है, जैसे गेट, जेएस, जीपैट, सीएसआईआर नेट और नेट एलएस, ये सब में से या फिर जेआरएफ में से कोई भी एक नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर पीएनआरएफ फेलोशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अप्लीकेशन के टाइम, अप्लीकेशन होने के बाद आपका अगर सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद भी आप पीएनआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी करंट वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो जनरल के लिए 53 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 27 वैकेंसी है, एससी के लिए 11 वैकेंसीज है, एससी के लिए 7 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 12 वैकेंसीज है। तो अप्लीकेशन करने के लिए आपको अप्लीकेशन पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली उनके ऑनलाइन अप्लीकेशन पोर्टल की वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के, और लास्ट डेट जो है अप्लीकेशन करने की वो संडे है 29th ऑफ अक्टूबर। तो उससे पहले आपको अप्लीकेशन फिल करना है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है बायोलॉजिकल साइंस, तो उसके लिए आपको मास्टर डिग्री, बीटेक, एमबीबीएस, एमटेक, एमफार्म, ये लोग जो है विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में एटलीस्ट 60% एंड अबो तो होना ही चाहिए विद नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर सेकंड है केमिकल साइंस, उसके लिए भी मास्टर डिग्री इन बीटेक, एमबीबीएस, एमफार्म या फिर एमटेक विथ केमिकल साइंस, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक, नैनोटेक, ऐसे जो डिपार्टमेंट है उसमें विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन। फिर है फिजिकल साइंस में आपका मास्टर डिग्री, एमटेक, बीटेक विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन भी मैंडेटरी है। फिर अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंस में आपको एमएससी, एमटेक डिग्री विथ फर्स्ट क्लास, अराउंड मिनिमम 65% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी और 60% जो है एससी एसटी के लिए है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जैसे एटमोस्फेरिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, क्लाइमेट साइंस, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब माइक्रोवेव, रिमोट सेंसिंग, फिजिक्स रिमोट सेंसिंग है, फिर ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग है। तो ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और बीटेक जो है उनको 75% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी और 70% फॉर एससी एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं इन अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंस। फिर है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है,
यहाँ पे एमए, एमएससी, एमफिल, एमआर, बीआर, छमआर 6 लोग अप्लाई कर सकते हैं विथ 55% मार्क। और यहाँ पे भी इनको नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडीज है, बिल्ड एनवायरमेंटल स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर इंग्लिश लिटरेचर, फिर इंग्लिश लिटरेचर में ये सब जो है ड्रामा स्टडीज, साइंस इन थिएटर, फिक्शन, फेमिनिस्ट, लेबर स्टडीज है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पब्लिक पॉलिसी स्टडी है, अर्बन स्टडीज है, एक्रियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है और इंडियन एंशियंट हिस्ट्री भी है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, हिस्ट्री है, लिटरेचर्स है और फिर इकोनॉमिक्स है, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वैसे आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसओपी देना है, मिनिमम 1500 मार्क्स का एसओपी, सॉरी वर्ड्स का एसओपी रहेगा। नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन भी आपको चाहिए रहेगा, हिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना है। तो आप उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे चले जाओगे, तो अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो फिर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो उस वो क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना है। तो ऐसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो डिटेल जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आपको 29 अक्टूबर से पहले जो है एप्लीकेशन फिल करना है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर